अदगुआरी से आप अगर गाड़ी करते हो ना, ये बैटरी वाली करते हो गाड़ी, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है, शायद ना पता हो, अगर आप पर्ची कटवाते हो ना तो वो 10 मिनट में आपको ना रिपोर्टिंग करनी होती है, क्योंकि गाड़ी का नंबर दिया हुआ होता है। अगर आपने सोचा कि एक घंटा हम वेट कर ले फिर चलेंगे, वो गाड़ी निकल जाएगी और फिर आपको दोबारा काउंटर पे जाना पड़ेगा, या तो रिफंड लेना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट पर्ची कटवानी पड़ेगी आपको। और काउंटर के लिए आपको एक से डेढ़ घंटे के लिए वेटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है लोगों की। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन वैलिड होती है 8 बजे से लेके शाम को 10:30 बजे तक, तब तक ही गाड़ी चलती है। सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को 10:30 लास्ट गाड़ी होती है। तो वही है कि आपको 9 बजे तक गाड़ी के पास पहुंचना था शाम को, और सुबह 7 बजे तक पहुंच जाओ, फिर 8 बजे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है चलना। तो ये चीज़ें हैं सबसे बड़ी बात। और जो आप ऑफलाइन पर्ची कटवाते हो वो 236 रुपये की एक पर्ची है। अगर आपके पास 5 साल से छोटा बच्चा, उसकी पर्ची नहीं कटेगी, 5 साल से बड़ा है, 6 साल तक का, उसकी भी ज़रूरत नहीं है कटवाने की आपको, क्योंकि एक तरफ 3 बंदे बैठते हैं सीट पे, टोटल 6 बंदे बैठते हैं गाड़ी के अंदर, एक आगे बैठ जाता है, 7 बंदे गाड़ी में बैठते हैं। तो 5-6 साल का बच्चा है तो आप उसको ईजिली गोद में ले सकते हो, या स्पेस थोड़ा सा रह जाता है। मेरी गुड़िया 6 साल की है, यशवी, तो मैंने उसकी पर्ची ली थी, लेकिन बैठने के बाद पता लगा कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 बंदे एक तरफ बैठाए हुए थे और 3 बंदे एक तरफ। और बस एक याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर आप 6 या 5 बंदे हो फैमिली के, तो एक गाड़ी की पर्ची ले, क्योंकि कई बार क्या कर देते हैं, वो दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं 22-23, तो वो काउंटर पे आप कंफर्म करना है आपको, या फिर ऑनलाइन अगर आप करते हो तब भी आपको कंफर्म करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक गाड़ी का आगे पीछे 10-15 मिनट लग जाती है, तो आप वो एडजस्ट कर लो, या फिर एक गाड़ी के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप बैटरी वाली गाड़ी करना चाहते हो। नीचे ये अर्धकुंवारी से होती है, फिर ऊपर भवन से होती है, ठीक है, ओके, बाय।